हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक्सरसाइज 16.1 देखेंगे ऑन चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। सो जो आपका कॉइन है यहाँ पर 3 times टॉस्ड हुआ है। सबको पता है कि जो कॉइन है उसकी जो पॉसिबिलिटी है, जब उसको हम टॉस करेंगे, या तो आपके पास हेड आता है या तो फिर आपके पास आता है टेल। इससे अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बिकॉज जो कॉइन है उसके पास जो फेसेस हैं, 2 faces हैं, एक हेड और एक टेल। तो यहाँ पर हो गए टोटल 2 possible faces ऑफ कॉइन्स। सो यहाँ पे लिखेंगे 2। ये आपको मैं रफ में कैलकुलेशन बता रही हूँ कि इसकी जो पॉसिबल सैम्पल स्पेस में कितने एक्सपेरिमेंट एलिमेंट्स आपके पास होंगे, जो पॉसिबल आउटकम्स आपके सैम्पल स्पेस में लिखने हैं वो कितने आएंगे, वो मैं आपको रफली यहाँ पे पहले बता रही हूँ। सो जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास कॉइन के ऊपर 2 faces हैं, चांसेस हैं, 2 possibilities ही हैं ओनली। एक या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दैट मीन्स देर इज ओनली 2 possibilities, तो मैंने लिख दिया है 2। और जितनी बार वो कॉइन टॉस्ड किया गया है उसकी पावर में आपको वो नंबर लिखना। अगर यहाँ पे कॉइन 3 times टॉस हुआ है तो वहाँ पे 3 आएगा पावर में, 2 की पावर में 3। अगर 2 times किया होता टॉस तो यहाँ पे हम 3 की जगह क्या लिखते हैं, 2। सो लेकिन यहाँ पे 3 है, सो इसलिए 2 to the power 3 मीन्स कितना होता है, 8। दैट मीन्स जो आपके पॉसिबल सैम्पल स्पेस में आउटकम्स आएंगे वो टोटल 8 elements वो सैम्पल स्पेस होल्ड करेगा, राइट। अब हम सैम्पल स्पेस जनरेट करते हैं। 3 times कॉइन टॉस हुआ है तो ऑब्वियसली जो आपका लिखने का स्टाइल होगा उसमें आप 3 times कॉइन की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। पहले कॉइन की इंफॉर्मेशन, देन दूसरे कॉइन की इंफॉर्मेशन, देन थर्ड कॉइन की इंफॉर्मेशन, लाइक दिस। या फिर हेड टेल, टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड भी आ सकता है, और लास्ट हेड टेल हेड आ सकता है। सो आपने पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए हैं। लेकिन कई बच्चों को डाउट होता है कि मैम यहाँ पर हमसे ये पॉसिबल आउटकम्स नहीं लिखे जाते, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तो 4 लिखे जाएंगे। इसके बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अब कौन सा रह गया है और हमने कौन सा नहीं लिखा है। सो एक तरीका है, सबसे पहले मैं वो आपको बताना चाहूँगी। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि जब मेरे पास ओनली 2 coins टॉस्ड हुए, फिर मैं आपको बताऊंगी 3 coin टॉस करने का तरीका, उसको कैसे लिखेंगे, एंड फाइनल 4 coin टॉस करेंगे तब उसको लिखने का तरीका क्या है। सो सबसे पहले जब हमारे पास ओनली 2 coin टॉस्ड होंगे तब हम क्या लिखेंगे, 2 times आप क्या लिखेंगे, हेड, 2 times आप लिखेंगे टेल। क्योंकि 2 times टॉस हो रहा है कॉइन तो आपके ओनली 2 columns बनेंगे, जब 3 coin टॉस होंगे तब आपके 3 columns बनेंगे, ऐसे ही 4 पे आपके पास 4 columns बनेंगे, राइट। सो इतना आपको पता चल चुका है कि आपके पास पॉसिबल आउटकम्स की जो वैल्यू है वो कितने, जो आपके सैम्पल स्पेस में ओवरऑल वैल्यू होल्ड करते हैं एलिमेंट्स वो कितने आएंगे, इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब यहाँ पर 2 tossed कॉइन हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी कॉइन पे हेड और टेल ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 times कॉइन टॉस किया जा रहा है। सो 2 to the power 2, दैट इज यहाँ पे इस सैम्पल स्पेस में मेरे पास 4 आने चाहिए एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस, ठीक है। ये मैं अभी 2 coin टॉस के लिए बता रही हूँ। जब आपने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया हेड हेड टेल टेल, उसके बाद सिंगल सिंगल का कर देंगे हेड टेल हेड टेल। सो ये आपके पॉसिबिलिटी है जब आप 2 coin टॉस करेंगे। अब जब आपके पास 2 coin थे तो आपने 2 times लिखा, फिर 2 times T लिखा। अब यहाँ पर जब आपके पास 3 coins हैं तब आप 4 times हेड लिखेंगे, मतलब 2 से कितना हो गया, 2 times ऑफ हेड, राइट। यहाँ पे अगर 2 times एच था तो 3 जब कॉइन टॉस करेंगे तब आपके पास फर्स्ट कॉलम में कितने आएंगे, 4 heads 4 tails। फिर नेक्स्ट में कम हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 के बाद सिंगल सिंगल में आ गए, ऐसे आप 4 के बाद 2 में आ जाएंगे। फिर अब यहाँ पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। सो ये आपके 3 coins का सैम्पल स्पेस है। अब 4 coins के लिए आपको आ जाएगा अपने आप खुद से, 2 में देखा आपने
टू कॉइन्स थे तो थ्री कॉइन्स में डबल हो गए हेड, ऐसे ही फोर कॉइन्स में और इसका डबल कर देंगे, फोर के बाद चार बार और हेड लिखेंगे। सो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, मतलब आठ बार हेड आएगा, आठ बार टेल आएगा, चार बार हेड, चार बार टेल, चार बार हेड, चार बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, हेड टेल, हेड टेल एंड सो ऑन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि खुद से जनरेट करने के अलावा आपके पास डिफरेंट मेथड है कि आप इस स्टाइल से लिखेंगे तब आपके पास कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा कि हमने कौन सा लिखा है, कौन सा हमारा आउटकम जो है वो रह चुका है। इस मेथड से अगर आप प्रेफर करेंगे तो आप डेफिनेटली जल्दी भी कर पाएंगे और आप कुछ भूलेंगे भी नहीं। सो आगे क्वेश्चंस में आएंगे कि जब आपके पास जो कॉइन है फोर टाइम्स टॉस किया जाएगा तो आई होप तब आप इजीली कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू, और इसका जो फाइनल आंसर है क्वेश्चन वन का वो बस इतना ही है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू, अ डाई इज थ्रोन टू टाइम्स, ये तो आपको मैंने एग्जांपल्स में भी बताया था कि जब आपका डाइस जो है वो टू टाइम्स थ्रो होगा तो आपको पता है फर्स्ट डाई में आउटकम आने के मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे डाइस के जो आउटकम्स आएंगे, वन से लेकर सिक्स तक आ सकती है पॉसिबिलिटी डाइस वन को थ्रो करने पर। ऐसे ही सेकंड डाइस को थ्रो करने पे वन से लेकर सिक्स तक पॉसिबिलिटी है आपके आने की। सो पूरा इसका सैंपल स्पेस जनरेट करने के लिए आपको इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसके हर एक एलिमेंट्स के साथ लिखना होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। सपोज ये पूरा सेट मान लो आप x और ये पूरा सेट मान लो आप y और बीच में क्या है मल्टीप्लाई। सो x इंटू y का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिलेशन, उसको हम कैसे लिखते हैं x कॉमा y के फॉर्म में। चैप्टर टू में भी था रिलेशन इन फंक्शंस में। सो आपको इसका और इसका एक काइंड ऑफ रिलेशन दे रखा है कि जब आपके टू डाइस थ्रो हो रहे हैं सो इसका जो सैम्पल स्पेस जनरेट होगा बिल्कुल इस तरह से होगा। सो वन के साथ अगर हम सारे जो पॉसिबिलिटी है सेकंड डाइस पे आने की हम लिख देंगे तो हमारे पास कोई लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा। वन के साथ टू, वन के साथ थ्री, ऐसे ही वन के साथ सिक्स, ऐसे ही यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, इसके जो एलिमेंट्स हैं। सो इसके जो एलिमेंट्स हैं इसमें सिक्स डिजिट्स पॉसिबल हैं, ऐसे ही इसमें सिक्स डिजिट्स हैं। सो सिक्स इंटू सिक्स 36 एलिमेंट्स आपके जो हैं वो इस सैम्पल स्पेस में है, आप काउंट कर सकते हैं। और हमने जो है इसमें कोई भी छोड़ा नहीं है, सारे कवर किए हैं अपने जो हैं सैम्पल स्पेस में एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स जो आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में है आपका कि जो आपका कॉइन है वो फोर टाइम्स टॉस किया गया है। सो अभी मैंने आपको क्वेश्चन वन में बताया था कि जब आपके फोर कॉइन टॉस करे जाएंगे इसमें टू टू द पावर फोर, बिकॉज टू इसलिए क्योंकि इन कॉइन पे हेड और टेल के अलावा कुछ और आ नहीं सकता, टू ही पॉसिबिलिटी है, और फोर इसलिए क्योंकि ये फोर टाइम्स कॉइन टॉस करे जाएंगे, ठीक है। और मैंने लिखने का तरीका बताया था सैम्पल स्पेस, आपको कितनी बार लिखना है हेड, एट टाइम्स, बिकॉज जब थ्री बार कॉइन टॉस होगा तब आपका हेड फर्स्ट कॉलम में कितने आएंगे उसमें फोर। अगर थ्री कॉइन टॉस्ड होते सुबह यहाँ तक लिखती फिर मैं टेल स्टार्ट कर देती, अब यहाँ फोर टाइम्स हैं तो आपके पास आठ बार आपको हेड लिखना है और आठ बार ही टेल लिखना है। इसके बाद चार बार हेड, चार बार टेल, इसके बाद दो बार हेड, दो बार टेल, और एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। सो ये है आपका सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग कॉइन फोर टाइम्स, ठीक है। हो सकता है आपके फोर टाइम्स कॉइन टॉस करने पे सब पर हेड आ जाए, फिर हो सकता है तीन पर हेड आ जाए, एक पर टेल आ जाए। सो ये आपके पॉसिबिलिटीज है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, पहला है कॉइन फिर उसके बाद क्या थ्रो हुआ है डाई, तो इसकी पॉसिबिलिटीज इसके भी ऑर्डर में लिखेंगे हम, राइट। पहला कॉइन टॉस हो रहा है फिर हमें क्या लिखना है डाइस के बारे में, राइट। सो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है आपको पता है हेड टेल, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है आपको पता है वन से लेके सिक्स तक इसमें डिजिट्स आएंगे, राइट। सो इसका हमें सैम्पल स्पेस जनरेट करना है।
सो इसका भी ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे। हेड आएगा तो इसके साथ कुछ भी आ सकता है, क्या पता हेड के साथ वन आ जाए, क्या पता हेड के साथ टू आ जाए डाइस के साथ, क्योंकि जैसे ही हम कॉइन टॉस कर लेंगे उसके बाद हमें क्या थ्रो करना है, साथ ही डाइस। साथ ही हेड के साथ आपका आ सकता है थ्री, हेड के साथ आपका फोर भी आ सकता है, हेड के साथ फाइव और हेड के साथ आपका सिक्स भी आ सकता है। सेम टेल के साथ वन आ सकता है, टेल के साथ टू आ सकता है, टेल के साथ थ्री। सो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है, आपके कॉइन्स की पॉसिबिलिटी, बिकॉज आपका कॉइन लेफ्ट साइड है। अगर ये राइट साइड होता तो हम एच और टेल राइट साइड में लिखते। सो टी फोर, टी फाइव और टी सिक्स। सो यही आउटकम है आपका, यही पॉसिबिलिटी है आपके जो क्वेश्चन नंबर फोर में सैम्पल स्पेस की। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फाइव। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन अ केस हेड इज शोन ऑन द कॉइन। सो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, कॉइन टॉस किया है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एंड हमने डाइस भी थ्रो किया है, रोल किया है, तब किया है ओनली इन अ केस जब आपका हेड शो करेगा कॉइन के ऊपर। अगर टेल होगा तब हम डाई रोल नहीं करेंगे, हम तभी रोल करेंगे ओनली इन अ केस हेड इज शोन। मतलब अगर कॉइन पे मेरे पास हेड आएगा मैं तभी डाई रोल करूँगी। सो और डाई को रोल करने की पॉसिबिलिटी उस पर सिक्स डिजिट्स हैं। टेल अगर आएगा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है। सो आपको इसका सैंपल स्पेस जनरेट करना है। सो अगर देखो टेल आ जाता है, क्या पता फर्स्ट टाइम ही टेल आ जाए। सो टेल के आगे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो कॉमा ख़त्म। एक ही एलिमेंट है टेल से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि जब जब मेरे पास हेड आएगा कॉइन पर तब तब मैं डाइस थ्रो करूँगी, और डाइस पे कुछ भी आ सकता है, क्या पता हेड आने पे उसके बाद जब मैं डाइस रोल करूँ वन आ जाए, हो सकता है हेड के साथ सेकंड आ जाए, हो सकता है हेड के साथ थ्री डिजिट आ जाए, हो सकता है हेड के साथ फोर आ जाए, हेड के साथ फाइव आ सकता है, हेड के साथ सिक्स भी आ सकता है। कि दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सिक्स। टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर इन रूम एक्स। ये है रूम नंबर एक्स, ठीक है, और इसमें सिर्फ टू बॉयज हैं और टू गर्ल्स हैं, ठीक है, और टू बॉयज हैं तो इसलिए मैं हर एक बॉय अलग अलग होगा, राइट। सो बॉय वन कर देती हूँ और बॉय टू कर देती हूँ। ऐसे ही जी वन जी टू अलग अलग रख लेते हैं। ऐसे ही रूम वाई दिया हुआ है आपको, एंड वन बॉय एंड थ्री गर्ल्स आपको रूम वाई में है। सो आपके पास दूसरा कोई रूम है वाई जिसके अंदर वन बॉय है, सो यहाँ पे बी थ्री लिख देती हूँ। डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं सो उनकी डिफरेंट आइडेंटिटीज होंगी, इसलिए मैंने सबको अलग अलग नाम लिख दिया है। एंड थ्री गर्ल्स, ठीक है, गर्ल थ्री, गर्ल फोर, गर्ल फाइव, इसमें थ्री गर्ल्स हो गई और वन बॉय हो गया, इसमें टू बॉयज़ टू गर्ल्स हो गई। अब आपका मैंने लिख दिया है जो गिवन है, आपको क्या बनाना है, सैम्पल स्पेस बनाना है फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड। रूम सिलेक्ट होगा उसके बाद क्या होगा, पर्सन सिलेक्ट होगा, ये आपको सैम्पल स्पेस लिखना है इसका। सो सपोज करिए, आपने सपोज करो रूम एक्स सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही रूम एक्स सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो जो पॉसिबिलिटी आ सकती है, चार पॉसिबिलिटी आ सकती है। या रूम एक्स सेलेक्ट करने पर बॉय वन आ सकता है, रूम एक्स सेलेक्ट करने पे बॉय टू भी आ सकता है, रूम एक्स सेलेक्ट करने पे गर्ल वन आ सकती है, रूम एक्स सेलेक्ट करने पर गर्ल टू आ सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रूम एक्स में से, बिकॉज हमारे पास सिर्फ टू बॉयज़ हैं और टू गर्ल्स हैं रूम एक्स में। अब बात आ जाती है रूम वाई, जब हम सिलेक्ट करेंगे तब हो सकता है बॉय आ जाए थर्ड वाला, हो सकता है वाई सिलेक्ट करने पे जी थ्री आ जाए, हो सकता है वाई सिलेक्ट करने पे जी फोर आ जाए, वाई सिलेक्ट करने पे जी फाइव आ सकता है, राइट। सो ये पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन नंबर सिक्स की सैम्पल स्पेस की। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन डाई ऑफ रेड कलर, ये रेड कलर का है डाई आपका, इसमें पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, सिक्स ही होंगी, क्योंकि आपके जो डाइस है वो क्या होल्ड करता है, सिक्स डिजिट्स होते हैं उसमें। सो एक है आपके पास वाइट कलर का, उसमें भी सिक्स पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ऐसे ही एक ब्लू कलर का डाई है, और ये किस में है, एक बैग में है, और प्लेस्ड इन अ बैग। एक डाई सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली एंड रोल किया जाता है, उसका कलर और नंबर
ऑन द अपर मोस्ट फेस नोट किया जाता है। क्या क्या नोट करा जाता है? कलर एक तो, और जो भी नंबर वो डिस्प्ले कर रहा होता है सबसे ऊपर वो लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर हमें सैम्पल स्पेस डिस्क्राइब करना है और जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या क्या नोट डाउन करना है, कलर पहले और उसके बाद नंबर लिखा जाएगा जो भी आपका आएगा 1 से लेके 6 तक, क्योंकि डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 ही नंबर आ सकते हैं, राइट। सो हो सकता है बैग में से तो रैंडमली निकालेंगे हम डाइस, क्योंकि एक डाइस हमने निकालना है, तो कुछ भी आ सकता है। क्या पता रेड डाइस आ जाए, क्या पता वाइट डाइस आ जाए, क्या पता ब्लू डाइस आ जाए। और जैसे ही हम डाइस सेलेक्ट कर लेंगे, कलर लिखना है, उसके बाद क्या पता 1 में से कितने भी नंबर आ सकते हैं 1 से लेके 6 तक। सो हो सकता है मैं सबसे पहले लिख रही हूँ रेड कलर मैं सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और क्या पता उसके साथ 1 आ जाए, क्या पता 2 आ जाए, क्या पता 3 आ जाए, क्या पता 4 आ जाए, क्या पता 5 आ जाए, क्या पता 6 आ जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है, दिस इज़ नॉट इन ब्रैकेट, कॉमर्स में है सब कुछ। हो सकता है बैग में से जो हम सेलेक्ट कर रहे थे डाई, क्या पता वो वाइट होता, सो वाइट के साथ क्या पता 1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4 आ जाता, 5 आ जाता और 6 आ जाता। और क्या पता वो डाइस ब्लू कलर का होता, उसके पास अपर मोस्ट पे फेस पे 1 शो कर रहा होता, क्या पता 2nd आता, क्या पता 3, क्या पता 4 शो कर रहा होता, क्या पता 5 और क्या पता 6 शो कर रहा होता। सो ये आपका पॉसिबल आउटकम है सैम्पल स्पेस का क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन, ठीक है, और फैमिली के अंदर कितने 2 चिल्ड्रन हैं, और बॉय और गर्ल दो ही पॉसिबिलिटी हैं, राइट। सो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। सो हमें ये जानकारी लेनी है कि सैम्पल स्पेस में कि या वो बॉय है या फिर गर्ल है, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। सो पॉसिबिलिटी क्या है, आपके पास 2 चिल्ड्रन होने चाहिए और वो बॉय हो सकता है गर्ल, उन्हें नहीं पता, क्या पता दोनों बॉय हो, सो बॉय बॉय, क्या पता दोनों गर्ल्स हो जाए ऑन द टाइम ऑफ देयर बर्थ्स, राइट। और क्या पता बॉय हो फिर गर्ल हो, या फिर क्या पता पहले गर्ल हो फिर बॉय हो। सो यही पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है, पहले जैसे कॉइन के ऊपर हेड और टेल की पॉसिबिलिटी थी, तो 2 और जितनी बार टॉस होता था उसके ऊपर पावर, राइट। ऐसे ही यहाँ पर देखो क्या पॉसिबिलिटी है, बॉय और गर्ल के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सो 2 पॉसिबिलिटी है, और उनको कितने चिल्ड्रन चाहिए, 2, एक के बाद एक, सो इसलिए 1 काउंट किया देन 2, सो ऊपर कितनी पावर आएगी, 2, सो 2 और 2 कितना हो गया, 4। सो यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि मैंने आपको लिख दिए हैं। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। सिर्फ हमें अब उसका सैम्पल स्पेस लिखना है जो कि हमें बताएगा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है फैमिली के अंदर, जब हमने एट अ टाइम ऑफ वो लिखा कि हमारे पास गर्ल हो सकती है या फिर बॉय हो सकता है। सिर्फ आपको अब उसमें कितनी बतानी, गर्ल्स के बारे में बताना है। सो उसका सैंपल देखो, नंबर में लिखना है आपको, क्या पता 0 गर्ल्स हो तब आप क्या लिखेंगे, 0 नंबर, क्या पता 1 गर्ल हो, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेने हैं, 2 चिल्ड्रन लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन नंबर 8 में मैंशनड है, सो क्या पता कोई गर्ल ना हो, क्या पता 1 गर्ल हो, क्या पता 2 गर्ल हो, इससे ज़्यादा नहीं। सो ये आपका पॉसिबल आउटकम है। ये तो हो गया, आपने नंबर में लिखना था क्योंकि आपके क्वेश्चन में मेंशन था। अगर आपके पास लिखा होता कि सिर्फ आपको सैंपल स्पेस जनरेट करना है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द गर्ल्स इन द फैमिली, तब आपके पास नंबर्स में अगर आपको ना लिखना हो, विदाउट नंबर्स इनको आप कैसे लिखेंगे, 0 गर्ल्स मतलब दोनों बॉयज हुए होंगे तभी कोई गर्ल नहीं है, यहाँ पे 1 गर्ल हो सकती है, या तो गर्ल बॉय केस है या तो बॉय गर्ल केस है, और यहाँ पे दोनों गर्ल्स हो, जी और जी। सो ये है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करवाऊंगी एक्सरसाइज 16.1, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपकी 16.1 कंप्लीट हो जाएगी बिकॉज ओनली 8 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।